वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इट्स फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव में हमारे पास जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो हमें एक वेव फॉर्म मिली थी, और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें कोई वेव नहीं मिली थी। हाफ वेव में क्या था कि जब हमारे पास ये अल्टरनेटिंग करंट एसी था जो हम देते थे, ये इनपुट था, और जो हमें आउटपुट मिलती थी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता था तो हमें एक वेव फॉर्म मिलती थी, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल होता था तो वहाँ फॉर रिवर्स बायस हो जाता था और हमें कोई करंट नहीं मिलता था। देन अगेन एक पॉजिटिव साइकिल आता था तो हमें एक वेव फॉर्म मिलती थी, और नेगेटिव हाफ साइकिल पे हमें यहाँ पर कोई करंट नहीं मिलता था। लेकिन हमारे पास जब फुल वेव होती है तो उसमें हमें पॉजिटिव जो वेव फॉर्म पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी हमें एक वेव फॉर्म मिलती है, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल होता है उसमें भी हमें एक पॉजिटिव वेव फॉर्म मिलती है। फुल वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट कन्वर्ट बोथ हाफ ऑफ ईच साइकिल ऑफ एन एसी इनटू डीसी पल्सेटिंग साइकिल। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये दोनों साइकिल्स को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा डीसी में। दोनों साइकिल्स को कन्वर्ट किया इस तरह से, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी हमारे पास कन्वर्ट हो गई डीसी में और नेगेटिव हाफ साइकिल भी। देन अगेन एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, देन अगेन एक नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। इस तरह से ये जो हमें आउटपुट मिलेगा ये डीसी हो जाएगा। ये हमारे पास क्या थी, इनपुट एसी, और ये हमारे पास होगा आउटपुट डीसी। डीसी क्यों है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है वो एक डायरेक्शन में है। इसमें करंट जो था उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो ये एसी है। अ फुल वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट कन्वर्ट बोथ हाफ ऑफ ईच साइकिल ऑफ एन एसी इनटू डीसी। दोनों साइकिल्स को क्या कर देता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। फुल वेव रेक्टिफायर में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो ये रेक्टिफिकेशन करता है, तो वही डायोड जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं एज अ इंस्ट्रूमेंट जो रेक्टिफिकेशन करता है। फुल वेव में हम एक डायोड नहीं, हम ग्रुप ऑफ डायोड्स यूज़ करते हैं, एक दो या दो से ज़्यादा डायोड्स यूज़ करते हैं। हाफ वेव में हम सिर्फ एक डायोड यूज़ करते थे। अब इसे क्लासिफिकेशन क्या है कि हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव क्यों कहा है, क्योंकि इसमें हमें पूरी वेव मिलती है। फिर कंस्ट्रक्शन कैसा होता है सेंटर टैप, हमारे पास इस तरह से एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दरमियान में हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और ट्रांसफार्मर की ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी, और हम यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको दरमियान में वन टू और ये सेंटर में हम क्या कर देंगे, इसको इस लोड रेजिस्टेंस को लगा देंगे। जब सेंटर में हम लगा देते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। तो कंस्ट्रक्शन कैसे हुई, हमारे पास एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है, हमारे पास दो डायोड्स होते हैं, यहाँ पे कितने डायोड्स होंगे, टू डायोड्स। टू डायोड्स होंगे और एक रेजिस्टिव लोड जो हमने इस तरह से सेंटर टैप में लगा दिया। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या होगा, इट इज़ नॉर्मल ट्रांसफार्मर। नॉर्मल ट्रांसफार्मर ही होगा, सिर्फ एडिशन क्या होगी कि वो यहाँ पे सेंटर में लगा हुआ होगा, और जब वो सेंटर में लग जाएगा तो हमारे पास टोटल, जब यहाँ पर जब एसी सोर्स हम इसको, तो यहाँ पे एसी सोर्स प्रोवाइड करने की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होगी, और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पर भी एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ जाता है। वो वोल्टेज जो होगा वो इस ऊपर वाले में और नीचे वाले में इक्वल होगा। हमने सेंटर टैप इस तरह से करना है कि यहाँ का वोल्टेज वी ए और ये वी बी, वोल्टेज क्या हो गया, डिवाइड हो गया ना वी ए और वी बी, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हम वी ए प्लस वी बी करें तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल। सेंटर टैप इस तरह से करनी है कि वोल्टेज जो होगा वो इक्वल रहे, सेम रहे। इट इज़ नॉर्मल ट्रांसफार्मर विथ वन स्लाइटली मॉडिफिकेशन, इट हैज़ एन एडिशनल वायर कनेक्टेड टू एग्जैक्ट सेंटर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। सिर्फ एक मॉडिफिकेशन ये है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, सिर्फ एक चीज़ है कि इसकी एक एक्स्ट्रा वायर होगी जो हमने सेकेंडरी कॉइल के साथ या सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर में अटैच की होगी, जो डिवाइड कर रही होगी एसी वोल्टेज को टू पार्ट्स में। यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिलता है वो एसी वोल्टेज ही होता है, उसको डिवाइड कर रही है टू पार्ट्स में। तो दिस डिवाइड द एसी वोल्टेज इनटू
टू इक्वल वोल्टेजेस। अभी हमने पढ़ा है, अभी तक इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी है कि क्या होगा, एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होगा। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो होता है वो नॉर्मल ट्रांसफार्मर ही होता है, सिर्फ उसकी एक एक्स्ट्रा वायर होती है जिसको हमने सेकेंडरी कॉइल की एग्जैक्ट सेंटर में अटैच किया होता है, जो डिवाइड कर देता है पूरे वोल्टेज को टू इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल वोल्टेजेस में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग। वर्किंग में क्या होगा, हम जब हम देते क्या है एसी वोल्टेज एज अ इनपुट, हम एसी वोल्टेज एज अ इनपुट देते हैं। जब हम एसी वोल्टेज देंगे तो जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उसको अलग अलग पढ़ेंगे कि तब क्या होगा। जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हम ये वाला जो डायोड है इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और इस तो ये हमारे पास क्या होगा ऑन स्टेट पे। जबकि अगर इस वाले पे देखो तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इट मींस कि ये ऑफ स्टेट पे है, इस पे करंट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ इधर करंट फ्लो करेगा। जब पॉजिटिव साइकिल आया तो करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में और इस लोड रेजिस्टेंस में से क्या करेगा पास कर जाएगा और इस वाइंडिंग की तरफ आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल टर्मिनल वन विल बी पॉजिटिव, तो ए टर्मिनल वन क्या हो जाएगा पॉजिटिव और टर्मिनल टू विल बी एट नेगेटिव पोटेंशियल। और डायोड वन जो होगा वो अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो ये हमारे पास ऑन स्टेट पे है, और अगर ऑन स्टेट पे है तो इट मीन्स कि ये फॉरवर्ड बायस है। ये मेरे पास है डायोड वन और ये है डायोड टू, ये है लोड रेजिस्टेंस RL। अब करंट क्या करेगा, और D2 जो होगा वो क्या है उसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, इट मींस के डायोड टू मेरे पास क्या हो जाएगा ऑफ, जो कि रिवर्स बायस होगा। अब डायोड वन अगर अपनी ऑन स्टेट पे है तो इट मींस इसमें से करंट पास करेगा और वो हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और वो करंट इस लोड रेजिस्टेंस में से पास कर जाएगा। यहाँ से हमने क्या प्रोवाइड किया एसी सोर्स। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल टर्मिनल वन विल बी पॉजिटिव टर्मिनल टू विल बी एट नेगेटिव पोटेंशियल, डी वन इज इन फॉरवर्ड बायस और डी टू इज इन रिवर्स बायस, और करंट की डायरेक्शन जो होगी इस तरह से होगी और लोड रेजिस्टेंस में से पास कर जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो वेव, यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया एक एसी करंट, और जो यहाँ पे हमें एक वेव मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो यह टर्मिनल जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये टर्मिनल अब नेगेटिव हाफ साइकिल में जब ये टर्मिनल मेरे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसका डायोड का पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, इट मींस कि ये मेरे पास अब ऑफ स्टेट में हो गया है, और ये मेरे पास इसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, इट मींस ये ऑन स्टेट पे है। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो यहाँ से करंट जो है वो फ्लो करेगा और करंट की डायरेक्शन इस तरह से लोड रेजिस्टेंस में से पास हो जाएगा और इस नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ आ जाएगा। अब इसी तरह जब हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट एसी प्रोवाइड करेंगे, कैसा एसी, जिस जो कि क्या है अल्टरनेटिंग करंट, जब एसी प्रोवाइड करेंगे तो जब यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर भी है, तो जब यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो इस नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है, इस नेगेटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल क्या हो जाएंगे ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव
ये हमारे पास डायोड ऑफ हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये ऑन स्टेट पे हो जाएगा। यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो करंट जो होगा वो पॉजिटिव से स्टार्ट करना फ्लो करेगा और यहाँ पे वो इस लोड रेजिस्टेंस में से गुजरेगा और नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ आ जाएगा। अब D2 हमारे पास क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, और D1 जो है वो नॉट वो नहीं कर रहा। D2 जो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में है और D1 जो है वो रिवर्स बाइस में है। ये क्या था, D1 और ये डायोड 2 D2। तो यहाँ पे जो हमें वेव फॉर्म मिलेगी वो हमें एक नेगेटिव पे भी मिलेगी। यहाँ पे एक नेगेटिव था ना, तो हमें नेगेटिव में भी एक पॉजिटिव वेव फॉर्म मिल रही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म क्या है। जब हमने यहाँ पे है टोटल आउटपुट जो हमें मिलेगा डीसी फॉर्म में, ये इनपुट जो हम प्रोवाइड करेंगे, हम इनपुट कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि अल्टरनेटिंग इन नेचर है। हम ये चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डायोड 1 में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें इस तरह से मिल रही थी, देन अगेन हमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेव फॉर्म मिली, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो हमें एक वेव फॉर्म मिली, और फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो हमें एक वेव फॉर्म मिली। डायोड 2 हमने देखा जो नेगेटिव हाफ साइकिल पे वर्क कर रहा था, तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो हमें यहाँ पे एक वेव फॉर्म मिली, ये नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो हमें यहाँ पे एक वेव फॉर्म मिली, ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल पे। फिर जब अगेन एक नेगेटिव हाफ साइकिल आया, हमें एक और डायोड 2 उस वक्त ऑन था, नेगेटिव हाफ साइकिल पे अगेन डायोड 2 ऑन स्टेट पे था, हमें वेव फॉर्म मिली। तो हमें टोटल जो डीसी आउटपुट मिला वो किस तरह से मिलेगा, टोटल अगर करेंगे तो वो ये हो जाएगा। हमने यहाँ पे आउटपुट वेव फॉर्म हमें कैसे मिली, इनपुट हमने एसी दिया, फिर हमें D1 पे पॉजिटिव हाफ साइकिल पे से वेव फॉर्म मिल रही थी, D2 में हमें नेगेटिव हाफ साइकिल पे भी वेव फॉर्म मिल रही थी, टोटल आउटपुट DC क्या हो गया, हमें इस तरह से वेव फॉर्म मिली। ये हमारे पास अब क्या होगा, DC, क्योंकि इसकी करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये हमारे पास DC होगा। अब ये क्या प्योर DC होगा, तो हम यहाँ पर बताएंगे हमें ये वेव फॉर्म मिली है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो करंट का डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ तक मैक्सिमम, फिर जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, फिर मैक्सिमम, तो मैग्नीट्यूड जो है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इट मीन्स कि ये प्योर DC नहीं है। प्योर DC वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इट मीन्स कि ये प्योर DC नहीं है। प्योर DC क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें AC का कंपोनेंट भी है, इसमें रिपल्स हैं। रिपल्स क्या होते हैं, DC में AC का कंपोनेंट, तो इसमें AC का कंपोनेंट है। यहाँ से यहाँ तक जो है इतना ज़्यादा इसमें AC का कंपोनेंट है, तो हमें इन रिपल्स को रिमूव करने के लिए फ़िल्टर लगाना पड़ता है। जब हम फ़िल्टर लगाएंगे, हम कैपेसिटर एज अ फ़िल्टर लगा रहे हैं, तो कैपेसिटर क्या करेगा, यहाँ तक वो होगा चार्ज होगा, देन वो क्या करेगा, जब वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो कैपेसिटर भी क्या होगा, चार्ज होगा। जब डिस्चार्जिंग का टाइम आएगा, जब यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा, लेकिन वो इतनी तेज़ी से डिस्चार्ज होगा कि वो इस तरह से आएगा, देन अगेन वो इस पॉइंट तक चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज, फिर इस पॉइंट तक चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज। अब अगर हम इसका मैक्सिमम ड्रॉ करें, ये क्या था, VM मैक्सिमम वोल्टेज का। अब यहाँ पे अगर इसका हम मैक्सिमम ड्रॉ करें, इस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, तो इधर इतना छोटा सा रिपल आ रही है, यहाँ से यहाँ तक ना, ये बहुत छोटा सा AC में DC का, DC में AC का कंपोनेंट मींस रिपल्स जो है वो बहुत शॉर्ट हो गया, ज़ीरो नहीं हुआ, कम हो गया। तो हम फिल्टर यूज़ करते हैं ताकि हम रिपल्स को रिमूव कर सकें। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिल्टर सर्किट, वी गेट पल्सेटिंग DC वोल्टेज विद मैनी रिपल्स, ठीक है। पल्सेटिंग क्यों कहा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो इसको हम प्योर DC नहीं कहेंगे, पल्सेटिंग कहेंगे। हमें जो मिलता है प्योर DC नहीं मिलता, पल्सेटिंग वोल्टेज मिलता है, तो वी गेट पल्सेटिंग DC वोल्टेज विद मैनी रिपल्स एज आउटपुट। रिपल्स मीन्स उसमें AC का कंपोनेंट भी होता है, तो वी कैन नॉट यूज़ दिस फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो टू कन्वर्ट पल्सेटिंग DC वोल्टेज टू प्योर DC वोल्टेज वी यूज़ फिल्टर, और यहाँ पे हम कैपेसिटर को एज अ फिल्टर यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या किया, ये प्राइमरी कॉइल थी, यहाँ से यहाँ पे
मैंने इस कैपेसिटर को क्या कर दिया, पैरेलल में अटैच कर दिया इस आरएल के। ये आरएल क्या है, यहाँ से ये आरएल इस तरह से ज्वाइन किया और यहाँ पे इसको कैपेसिटर को अटैच कर दिया। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी और टू डायोड्स उसी तरह वर्किंग क्या होगी कि जब वर्किंग ऑफ कैपेसिटर फिल्टर इज़ टू शॉर्ट द रिपल्स। हम यूज़ क्यों करते हैं कैपेसिटर फिल्टर को, ताकि हम रिपल्स को कम कर सकें, और हमने किया भी, ज़ीरो नहीं होते लेकिन कम हो जाते हैं। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आया, व्हेन वी अप्लाई एसी वोल्टेज डेट हैपन्स टू बी मोर देन कैपेसिटर वोल्टेज, इट चार्जेस द कैपेसिटर। जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले वोल्टेज इंक्रीज़ करता है। जब वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है तो कैपेसिटर भी साथ साथ क्या होगा, चार्ज होगा। इट चार्जेस द कैपेसिटर टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, लेकिन चार्ज हुआ लेकिन अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू तक, इमीडिएटली टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। एट दिस पॉइंट द सप्लाई ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू कैपेसिटर वोल्टेज। जब हम यहाँ पे वोल्टेज जो था वो इंक्रीज कर रहा था, तो जब वोल्टेज इंक्रीज कर रहा था तो कैपेसिटर वहाँ से क्या ले रहा था, चार्जेस लेके और खुद भी चार्ज होना शुरू हो गया, क्योंकि वोल्टेज वहाँ पे ज़्यादा था। जब वोल्टेज एक मैक्सिमम वैल्यू पे आके कैपेसिटर और वो इक्वल हो जाएंगे, तो कैपेसिटर चार्ज करना छोड़ देगा, और यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद अगेन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब वो डिस्चार्ज होगा तो वो लोड रेजिस्टेंस को, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस को कुछ ना कुछ करंट देगा, जिसकी वजह से करंट आरएल में से पास करेगा। एट दिस पॉइंट सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू कैपेसिटर वोल्टेज। इसमें यही बातें लिखी हुई हैं कि जब कैपेसिटर, जब वोल्टेज इंक्रीज़ करता है तो कैपेसिटर चार्ज होता है और वो मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होता है। उसके बाद व्हेन द अप्लाइड एसी वोल्टेज स्टार्ट डिक्रीजिंग देन लेस देन द कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग। जब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू के बाद जब इनकी वैल्यूज़ इक्वल हो जाती हैं, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाता है, और डिस्चार्जिंग टाइम जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। यहाँ पर कैपेसिटर क्या हुआ, बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज हुआ। अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास ये क्या था, इनपुट एसी, एसी इनपुट जो हम दे रहे थे, हमें डीसी आउटपुट इस तरह से मिला था। अब यहाँ तक ये जो ब्लू से बनाऊंगी, अब यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर ये रेड क्या है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर चार्ज हुआ अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू तक, देन उसके बाद जब ये वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो इस पे हमें करंट नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर क्या करता है, डिस्चार्ज होता है, लेकिन वो इतना तेज़ी से डिस्चार्ज होता है, चार्जिंग टाइम इसका स्लो था, डिस्चार्जिंग टाइम बहुत फास्ट होता है, तो वो इस तरह से आता है, देन अगेन वो चार्ज होगा मैक्सिमम वैल्यू तक, और फिर डिस्चार्ज होगा, फिर वो इंक्रीज करेगा मैक्सिमम वैल्यू तक, चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज करेगा एक मैक्सिमम वैल्यू तक, देन अगेन डिस्चार्ज। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहाँ पे अगर इसका मैक्सिमम ड्रॉ करें, तो रिपल्स फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे बहुत शॉर्ट मिल रहा है। प्योर डीसी क्या होता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो हम यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलती है, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो इस तरह से मिलेगा, अब इसका रिपल फैक्टर क्या हो गया, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होने के बराबर ही है, तो रिपल फैक्टर जो है इसमें बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसमें रिपल फैक्टर जो था वो इतना ज़्यादा था, और इसमें क्या है, इतना सा। तो अब इस तरह से हम फिल्टर को यूज़ करके इसको प्योर डीसी में लगभग चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या था, ये जो वेव फॉर्म हमें मिल रही थी, ये विदाउट फिल्टर थी, और जो हमें ये वाली वेव फॉर्म मिल रही है, ये हमारे पास है विद फिल्टर। ठीक है, इसमें कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से इस तरह से था। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन थी इसकी, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, हमारे पास इसमें मैक्सिमम फोर डायोड्स होती है, फोर से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो फोर होते हैं, और एक यहाँ पे आरएल जो कि लोड रेजिस्टर होते हैं।
उसी तरह से होता है, बस वहाँ पे दो डायोड थे, यहाँ पे हमारे पास फोर आ जाते हैं, तो एक ब्रिज की फॉर्म बन जाती है। इसकी वर्किंग कैसे होगी, यहाँ पे वही अगर हम इनपुट ऐसे देंगे एसी में, तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो इस फॉर्म में मिलता है। अब ये कैसे मिलता है, जब हमारे पास ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, जब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये टर्मिनल जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब डायोड का ये टर्मिनल, अब इसमें से दो डायोड्स ऐसे होंगे जो ऑन स्टेट पे होंगे, दो ऐसे होंगे जो ऑफ होंगे। अभी हमें देखना है कि कौन से ऑन है कौन से ऑफ है। डायोड्स को नेम दे देंगे, ये डायोड ए, ये डायोड बी, सी और डी। अब डायोड का ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ से अगर हम देखें, और नेगेटिव इसका इसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, इट मींस कि ये अपनी ऑफ स्टेट पे है। तो ये वाला डायोड हमारे पास ऑफ स्टेट पे है। अब इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है वो क्या है, बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो डी वाला भी क्या है, ऑफ स्टेट में। जबकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो हमारे पास ये क्या है, ऑन स्टेट पे, और इसका भी पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो ये भी ऑन स्टेट पे। ए और सी डायोड जो है वो मेरे पास ऑन है, बाकी दो जो है वो ऑफ है। तो करंट जो होगा सिर्फ ए और सी में से पास करेगा, बी और डी में से नहीं, क्योंकि वो रिवर्स बायस में से है, रिवर्स बायस में है। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव से, पॉजिटिव हाफ साइकिल से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, इस डायोड की तरफ आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इस डायोड में से ऐसे फ्लो करेगा। अब इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑफ स्टेट में। जब इधर नहीं जाएगा तो इस लोड रेजिस्टेंस में से वो पास करेगा, और ये सी जो है वो ऑन स्टेट में है, तो इस सी में से वो ऐसे गुजरेगा और नेगेटिव टर्मिनल के पास चला जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या हुई, वो यहाँ से इस तरह से आया, ये वाला ऑन स्टेट पे था, इधर से गया, ये ऑफ स्टेट पे था, इधर नहीं जा सकता था, लोड रेजिस्टेंस में से पास किया, सी भी ऑन स्टेट पे था, सी में से गुजरा और अगेन नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ चला गया। अब करंट की डायरेक्शन जो है वो ये वाला हाइलाइटेड पार्ट है। अब एसी इनपुट एसी क्या था, हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव को मैं डॉटेड कर रही हूं, क्योंकि इसकी बात नहीं हो रही। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास यहां पे जो वेव फॉर्म मिलेगी वो एक वेव फॉर्म मिल जाएगी हमें। देन हम बात करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला एक ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये टर्मिनल मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब हम देखेंगे कि कौन से दो डायोड्स ऑन पे स्टेट पे हैं और दो कौन से दो ऑफ स्टेट पे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डायोड को नेम्स दे देंगे, ए बी, अब ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे अगर हम देखें ये नेगेटिव है, तो ये ए वाला जो है इसका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो इट मींस ये क्या है, ऑफ स्टेट पे, क्योंकि डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। और अगर हम इधर देखें डी वाले में, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो डी मेरे पास क्या है, ऑन स्टेट पे। देन सी, सी क्या है, सी का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी की पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये मेरे पास ऑफ स्टेट में होगा। और इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो इट मींस ये मेरे पास ऑन स्टेट पे है। अब मेरे पास बी और डी जो है वो ऑन स्टेट में है, तो करंट जो होगा वो कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से जाएगा। अब सी में नहीं, सी से नहीं पास कर सकता, क्योंकि सी क्या है, ऑफ स्टेट में, डी ऑन स्टेट में है, तो डी की तरफ जाएगा। अब ए से भी नहीं पास कर सकता, क्योंकि ए क्या है, ऑफ स्टेट पे, देन अगेन वो लोड रेजिस्टेंस में से पास करेगा, और यहाँ पे ये ऑन स्टेट में है, इधर से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। अब इस केस में हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरह से वो
फ्लो कर रहा है जो हाइलाइटेड पार्ट है। अब इसको पढ़ लेते हैं। जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो टर्मिनल वन बिकम पॉजिटिव, टर्मिनल टू विल बिकम नेगेटिव। डायोड ए और सी जो थे वो मेरे पास फॉरवर्ड बायस पे थे, वो ऑन थे। बी और डी जो थे उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था और हमें इस तरह से आउटपुट मिला था। देन हमने नेगेटिव टर्मिनल की बात की। नेगेटिव टर्मिनल में टर्मिनल वन हमारे पास नेगेटिव हो गया और टर्मिनल टू जो है वो पॉजिटिव हो गया। बी और डी डायोड जो थे वो ऑन स्टेट पे थे, सी और ए जो थे वो ऑफ थे और करंट इस तरह से फ्लो किया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे कि जब हमारे पास इनपुट एसी दिया तो उसकी हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो उस पर जो हमें आउटपुट डीसी मिली वो हमें नेगेटिव वाले में भी एक वेव फॉर्म मिली। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो आउटपुट वेव फॉर्म आई वो किस तरह से आई। जो हमने इनपुट एसी दिया वो हमारे पास अल्टरनेटिंग था। जब हमारे पास डायोड ए और बी ऑन थे तो वो हमें क्या दे रहे थे, हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ए और सी ऑन थे, तो वो हमें हर पॉजिटिव हाफ साइकिल पे हमें एक वेव फॉर्म मिल रही थी। देन डायोड बी और डी नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑन थे और हमें हर नेगेटिव हाफ साइकिल पे एक वेव फॉर्म मिल रही थी। इसका नेगेटिव पे हमें क्या मिल रही थी, एक एक वेव फॉर्म मिल रही थी। तो टोटल डीसी आउटपुट करंट जो हमें मिल रहा था वो क्या मिलेगा, नेगेटिव पे भी मिलेगा, पॉजिटिव पे भी, देन अगेन नेगेटिव पे भी, पॉजिटिव पे भी। ये हमारे पास क्या है, टोटल आउटपुट करंट जो डीसी है। एसी हमारे पास इनपुट होता है और करंट जो डीसी होगा वो हमें आउटपुट में मिल रहा है। अब इसमें भी हम फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें भी अगेन क्या आ रहा है, इस डीसी में एसी के कंपोनेंट आ रहे हैं, रिपल्स हैं, तो हमें फिर से एक पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज मिल रहा है जिसमें बहुत सारे रिपल्स होते हैं। उसको हम एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है उसको प्योर डीसी में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी गेट अ पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज विद मैनी रिपल्स, वी कैन नॉट यूज़ दिस फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सो वी यूज़ फिल्टर कैपेसिटर टू कन्वर्ट पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज टू प्योर डीसी वोल्टेज। और कैपेसिटर को हम इस यूज़ करेंगे कि वो शॉर्ट कर सके रिपल्स को। अगेन क्या किया, उसी तरह से इसके साथ लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में हमने कैपेसिटर को अटैच कर दिया और बाकी सारा वही है ब्रिज। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, अगेन एसी के साथ कनेक्टेड है। अब ये जो हम यहाँ पे एसी इनपुट है, सारी बातें वही है कि कैपेसिटर चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा। ये एसी इनपुट था और हमें जो डीसी आउटपुट मिलेगा, जो डीसी आउटपुट मिला था वो हमारे पास डीसी आउटपुट इस तरह से मिल रहा था हमें। जिसमें हमारे पास डीसी का एसी का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा था। देन अगेन हमारे पास इस इधर तक क्या करेगा, कैपेसिटर चार्ज करेगा एक मैक्सिमम वैल्यू तक, फिर उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर वो चार्ज करेगा एक मैक्सिमम वैल्यू तक, डिस्चार्ज हो जाएगा, अगेन वो डिस्चार्ज चार्ज करेगा और अगेन डिस्चार्ज। इस तरह से हमें जो डीसी आउटपुट मिलता है वो इस तरह से मिलेगा, जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होने के बराबर होता है। ज़ीरो नहीं हुआ रिपल्स, लेकिन इतना हो गया कि स्ट्रेट दिखने लग गया थोड़ा बहुत। ये हमारे पास थी विद फिल्टर वेवफॉर्म और ये हमारे पास क्या है, विदाउट फिल्टर। डीसी आउटपुट विद फिल्टर, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस में सिर्फ इनके फॉर्मूलाज याद रखने हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं। एवरेज करंट हमारे पास क्या था जो हमें मिलता है, और करंट हमें आईडीसी की फॉर्म में मिलता है ना आउटपुट में, तो आईडीसी मींस के एवरेज।
आई एवरेज इज इक्वल टू आई डी सी, आई डी सी की वैल्यू सिंगल वोल्ट वेव जब हमारे पास हाफ वेव था उसमें थी आई नॉट बाय पाई, लेकिन अब फुल वेव है तो हमारे पास दो वेव्स आ रही हैं तो टू आई नॉट बाय पाई हो जाएगी। देन हम इसी से वोल्टेज निकालेंगे अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस में हमें जो वोल्टेज मिलता है वो भी क्या है, डी सी। आउटपुट क्या मिलता है, डी सी। तो वी डी सी इज इक्वल्स टू ई डी सी लिख रही हूँ मैं, इक्वल होता है आई आर के, तो आई इंटू आर एल। आई की वैल्यू अभी हमने निकाली है टू आई नॉट बाय पाई इंटू आर एल। और कैसे लिख सकते हैं, आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट की वैल्यू वी बाय आर ई नॉट बाय आर, लेकिन दो एक लोड एक डायोड की रेजिस्टेंस होगी और एक हमारे पास जो लोड लगा हुआ है उसकी, तो सीरी और लगे हुए सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे आर एफ प्लस आर एल। ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड और ये लोड रेजिस्टेंस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टू ई नॉट पाए आर एफ प्लस आर एल इंटू आर एल। उसके बाद डी सी आउटपुट पावर, आउटपुट पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, तो ई डी सी इंटू आई डी सी। आई डी सी का फॉर्मूला है ये इक्वल हो जाएगा वी, ई डी सी इज इक्वल्स टू आई डी सी इंटू आर। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा आई डी सी का स्क्वायर और आर। आई डी सी की वैल्यू अभी हमने निकाली ये वाली, इसकी वैल्यू को डालेंगे तो ये बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो फोर ई नोट का स्क्वायर पाई स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल का स्क्वायर और साथ में आर एल। फिर आई आर एम एस वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है आई नोट बाय अंडर रूट टू, और हम इसे एक और कैसे आई नोट की वैल्यू डाल के जो कि इक्वल है ई नोट बाय आर एफ प्लस आर एल अंडर रूट टू। तो इसके दो फार्मूलाज होते हैं। फिर हमारे पास आती है इनपुट एसी पावर। पावर इनपुट एसी पावर के लिए हम आई आर एम एस का स्क्वायर करते हैं इनटू रेजिस्टेंस जो के आर एफ प्लस आर एल। आई आर एम एस की वैल्यू क्या है, ई नॉट का स्क्वायर, स्क्वायर कर लेंगे तो आर एफ प्लस आर एल का स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल, एक कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा ई नोट का स्क्वायर टू आर एफ प्लस आर एल। देन हमारे पास आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इक्वल होती है डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एसी इनपुट पावर। पी डी सी बाय पी ए सी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आती है याद रखनी है ये इक्वल होगी 81.26%। देन उसके बाद आता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का आई जो है ए सी आर एम एस, ऊपर जो हमने आई आर एम एस निकाली थी वो डी सी की थी, अब ए सी की निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है अंडर रूट आई आर एम एस स्क्वेयर माइनस आई डी सी का स्क्वेयर। और इसकी जो एफिशिएंसी की वैल्यू, रिपल फैक्टर की वैल्यू है वो हमारे पास एक ये भी याद रखनी है जो इक्वल होती है 0.48। हाफ वेव में थी 1.2, रिपल फैक्टर उसमें ज़्यादा था, लेकिन हमारे पास जो फुल वेव आती है तो उसमें 0.48 है, कुछ ना कुछ तो है ना, लेकिन बहुत कम है, लेकिन जीरो बिल्कुल भी नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।